हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 का आज यानी 27 सितंबर को सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए कुछ रियल जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो आज दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है पीएम कौन था। आपको पूछा गया था कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो इस समय भारत का प्रधानमंत्री था पीवी नरसिम्हा राव। कौन था? पीवी नरसिंह राव जो है इस समय भारत का पीएम था। जिन्होंने पीएम नरसिम्हा राव मारे हैं, पीवी नरसिम्हा राव, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था कि इलायची की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है। आपको पूछा गया था कि इलायची की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है पश्चिमी घाट यानी दक्षिण भारत में। तो पश्चिमी घाट जो है इसका सही उत्तर है। इसके बाद आपको ऑप्शन होता है केरल या तमिलनाडु, जो भी आपके ऑप्शन में था तो वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था आत्महत्या की थैली जो है किसे कहा जाता है। आपको पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है लाइसोसोम को। तो जिन्होंने लाइसोसोम मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। लाइसोसोम को जो ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था कि पंचायती राज जो है किस आर्टिकल से संबंधित है। तो पंचायती राज संबंधित है आर्टिकल 243 से। तो आर्टिकल 243 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको बता दूं कि पंचायती राज जो है संविधान के भाग 9 के 243 में स्थित है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। आपको पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो है उत्पाद के रूप में क्या मिलता है। तो उत्पाद के रूप में मिलता है ऑक्सीजन। जिन्होंने ऑक्सीजन मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको एक दिया गया था फॉर्मूला, आपको जो एक क्वेश्चन दिया गया था इस प्रकार से कि CnH2n-2 जो है इसका जो है रासायनिक नाम क्या है। पूछा गया था कि ये जो है किसका जनरल फार्मूला है। तो ये जनरल फार्मूला है अल्काइन का। ये जनरल फार्मूला है अल्काइन का। इन्होंने अल्काइन मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। इन्होंने अल्काइन मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर बात करें CnH2n का तो ये है एल्कीन का। ये है एल्कीन का। ये है एल्कीन का। अगर बात करें CnH2n+2 का तो ये है अल्केन का। ये किसका है? तो ये है अल्केन का। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ATP की पहाड़ी जो है, सॉरी, आपको पूछा गया था कि ATP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। आपको पूछा गया था कि ATP का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट। ये इसका जो है फुल फॉर्म होता है। जिन्होंने ये मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर। जिन्होंने एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी भाषा जो है संस्कृत की वंशज है। आपको पूछा गया था कि इनमें से कौन सी भाषा जो है संस्कृत की वंशज यानी जो है संस्कृत से ही उत्पन्न हुआ है। तो आपके ऑप्शन में हिंदी था तो इसका हिंदी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। इसका हिंदी जो है सही उत्तर है। इसके अलावा कौन होता है जान लीजिए। इसके अलावा जो है बांग्ला भी होता है, मराठी भी होता है। ये सब जो है संस्कृत का ही वंशज है। बांग्ला, मराठी, सिंधी, इसके अलावा पंजाबी और नेपाली, ये सब भी जो है संस्कृत का ही वंशज है। तो आपको एक पूछा गया था कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। आपको पूछा गया था होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी। तो उसकी स्थापना जो है 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। उसकी स्थापना जो है 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। तो आपको एक पूछा गया था अम्ल से कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। अगर बात करें दही का तो दही में पाया जाता है
लैक्टिक अम्ल है। अगर बात करें सेब का तो सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल, सेब में पाया जाता है मौलिक अम्ल। अगर बात करें सिरका का तो उसे पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। अब बात करें चींटी या बिच्छू के डंक का तो उसे पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। तो इसे भी आपको जो है याद रखना है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दो नदी समकोण पर काटती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है परवर्ती अपवाह। इन्होंने परवर्ती अपवाह मारे हैं, तो उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन जो है कहाँ पर होगा। आपको पूछा गया था कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप, पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन जो है, ये कहाँ पर होगा। तो इसका आयोजन होगा उड़ीसा में। कहाँ पर होगा? उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो है इसका आयोजन होगा। जिन्होंने उड़ीसा मारे हैं, इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको एक पूछा गया था, आपको चार तत्व दिया गया था, उनको बोल रहा है कि परमाणु क्रमांक के तरह जो है इसको सजाने के लिए बोल रहा था। आपको एक पूछा गया था कि गर्म निरोधक गोली से, गर्म निरोधक गोली से पूछा गया था। तो ऑप्शन में क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको HIV से पूछा, आपको जो मानव किडनी से भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक क्वेश्चन जिसमें आपको फोकस दूरी दिया गया था, आपको डिस्टेंस दिया गया था, आपको जो है प्रतिबिंब की लंबाई आपसे पूछा जा रहा था। तो दोस्तों ये थे आज के पूछे गए कुछ प्रश्न। तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।